आपका जो यूनिट फर्स्ट है उसका सी तक का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपको डी पार्ट कराऊंगा। अब डी पार्ट कराने से पहले मैं आपको डी पार्ट का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। उसमें समघात में समाने करने वाली समीकरण, मतलब समझे, यानी कि रिड्यूसेबल इक्वेशन, रिड्यूसेबल इक्वेशन टू होमोजेनियस इक्वेशन, यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई भी जो समीकरण है, समझे आप, कोई भी जो समीकरण है वो किस में चेंज होगी, पहले समघात में होगी और उसके बाद उसका सॉल्यूशन होगा, समझ गए ना। कोई भी जो समीकरण है वो पहले समघात में चेंज होगी और फिर उसका सॉल्यूशन होगा। डी जो है वो इसी पार्ट की है। तो देखें, ये इंग्लिश में फिर बता रहा हूँ, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। अब देखें, यहां से देखें, जैसे मानो आपके पास ये डी वाई वाई डी एक्स और यहाँ पर है ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, कैपिटल सी, ठीक है। यहाँ पर है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस स्मॉल सी, ठीक है, ये वाला। अगर आपके पास ये ऐसी कोई भी समघात जो सॉरी जो कोई भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी, तो उसमें देखें आप, जब आपके पास a अपॉन a और b अपॉन b का जो अनुपात है वो बराबर नहीं, a अपॉन a और b अपॉन b, यानी कि केस फर्स्ट लिख देता हूँ, केस फर्स्ट, अगर a अपॉन a और b अपॉन b का अनुपात बराबर नहीं हो, जैसे अगर एग्जांपल लिखना चाहूँ तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, dy by dx बराबर 2x plus y plus 1 और ये हो जाएगा x plus 2y plus 1। तो यहाँ से देखें, एक a कितना है 2, ठीक है, और ये small a 1 बराबर 1/2, तो 2 बराबर 1/2 है क्या, नहीं है, इसका मतलब दोनों साइड बराबर नहीं है, ये वाला, यानी ये जो है ये वाला केस हो गया। जब ये वाला केस होगा तो करना क्या, ध्यान से सुने, कॉन्सेप्ट ही इम्पोर्टेंट है। जब ये वाला होता है तो x जो है यहाँ पर, ये वाला x लिख दूँ कि ये जो x होता है, x इसको x प्लस h से रिप्लेस कर देते हैं, x को h प्लस h से रिप्लेस कर देते हैं और y को कैपिटल y प्लस k से रिप्लेस कर देते हैं। अब देखें, अगर इनसे रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ से निकाले, देखें डी एक्स बाय डी एक्स कितना हो गया 1, ठीक है, यहाँ से देखें, यहाँ से कितना हो गया फिर, यानी कि डी एक्स बराबर डी एक्स, ये आ रहा है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से और देखें, डी वाई अपॉन डी वाई बराबर 1, यानी कि डी वाई बराबर डी वाई आ गया, है ना। अब देखें, प्रश्न में अपने कौन कौन सी गिवन होती है, dy by dx यही फॉर्म गिवन होती है, ये सिर्फ मेथड है, मेथड समझा रहा हूँ एक बार, मेथड समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो, जैसा आ रहा है वैसे देख लो एक बार, फिर क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है, dy by dx। अब देखें, dy किसके बराबर है, dy, ठीक है, और ये dx ये वाला, यानी कि जब भी मैं x का मान ये पुट कर दूंगा और y का मान ये पुट कर दूंगा तो उसके बाद जो ये dy by dx है इसको मैं हमेशा d कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स लिखूंगा, ठीक है। अब देखें, तो मैं वैल्यू पुट करूं, यानी कि डी वाई बाय डी एक्स बराबर ए जगह क्या रखना मेरे को, ए फिर एक्स प्लस एच प्लस बी वाई प्लस के और आगे क्या है कैपिटल सी अपॉन ए एक्स प्लस एच प्लस बी वाई प्लस के और स्मॉल सी, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब देखें, अब इनको क्या करना है, देखें ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस क्या हो जाएगा एच ए प्लस
के बी प्लस सी, ये एक साइड, और यहाँ से देखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एच प्लस बी के प्लस सी, और ये एक साइड, ये हो गया ठीक है। अब देखें आगे की ओर, एक बार उतार लें मेथड ना, आप वीडियो पोज पर उतार लें इसको ठीक है। अब यहाँ से देखें, अगर ये वाला हो गया फिर क्या करना है आपको, ये देखें ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई, ये किसके बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स। अब आप कहोगे ये वाला पार्ट कहाँ गया, देखिए ये वाला जो पार्ट है ना उसको जीरो के बराबर करके इनका मान निकाल लेते हैं एच और के का। इसका करने का तरीका है, ये जीरो के बराबर पुट किया और ये ए के प्लस बी के जो है वो जीरो के बराबर पुट करा, अगर जीरो के बराबर पुट कर दे तो इसका मतलब वन का मान जीरो हो गया। अब देखिए, अब जो भी मान है ए और बी तो कोई वैल्यू होगी, तो अब देखिए, अब ये बात है कि x इसमें कॉमन ले लें तो ये वाई ओपन x हो जाएगा, वही होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी, ये होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी, बन गई। मैंने क्या बोला था कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले उसको होमोजीनियस बनाएंगे और उसके बाद इसका सोल्व करेंगे, तो ये होगी इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस इक्वेशन ठीक है ये वाला। अब देखिए ये तो भाई इसका केस फर्स्ट, केस सेकंड क्या होता है कि a अपॉन a और b अपॉन b का जो अनुपात है वो बराबर होता है, तो पहले केस फर्स्ट कराऊंगा मैं, फिर केस सेकंड अगले दिन कराऊंगा नेक्स्ट डे ठीक है। देखिए क्वेश्चन देख रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन यह है एक्स माइनस वाई और यहां पर है डी वाई बराबर एक्स प्लस वाई प्लस वन और यहां पर डी एक्स ठीक। ये क्वेश्चन है, अब देखिए आप क्वेश्चन देखिए ये, अब इसको वही पहले अपन बनाए थोड़ को दो भाग में डिवाइड ठीक है, इसको डी वाई पॉन डी एक्स की फॉर्म में लिख दू, तो डी वाई पॉन डी एक्स की फॉर्म में लिखूंगा तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, वही मैंने क्या बताया था कि एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स की जगह पुट करना है एक्स प्लस एच और वाई की जगह क्या पुट करना है, या आप सब यहाँ नीचे लिख देना, मैं तो बोर्ड बचा रहा हूँ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने वाला है ठीक है, वाई प्लस के। और अपन एक चीज और जानते हैं कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, वो भी मैंने आपको बता दिया था कैसे होता है, वो सब बताने की अब जरूरत है नहीं, डी वाई और ये कैपिटल एक्स ठीक है। तो यहां से लिखें डी वाई बाई डी एक्स बराबर है, ये देखें पहले सबसे पहले आप रेशियो चेक करेंगे, इन क्वेश्चनों में सबसे पहले आप रेशियो चेक करेंगे, ये देखें यहां पर कुछ नहीं, एक मिनट ये तो हो गया सब पुट, ये सब पुट करने से पहले भी आप रेशियो चेक करेंगे, क्योंकि रेशियो अगर मतलब अगर जो रेशियो वो इक्वल नहीं है तभी तो ये मेथड लगाएंगे। देखें ए का मान इसमें कितना है वन, यहाँ पे देखें और बी का कोफिशियंट भी वन, तो और इसका वन और बी का माइनस वन, तो देखें वन अपॉन वन बराबर माइनस वन अपॉन वन, तो क्या बराबर है, क्या बराबर है नहीं, तो इसीलिए ये मेथड काम में लेंगे कि एक्स है उसकी जगह एक्स प्लस एच, वाई है उसकी जगह वाई प्लस के पुट करेंगे ठीक है, ये मेथड तभी काम में लेना अपने को ये वाला, अगर ये दोनों बराबर हो जाते तो उसका जो मेथड है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि पहले इसी मेथड के क्वेश्चन करते हैं फिर इसे फिर डीकम्प्लीट ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा, ऐसा किया, फिर ए और बी और उनके मान लिखे, रेशियो चेक किया, रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो फिर एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर दिया, वाई को वाई प्लस के से रिप्लेस कर दिया और डी वाई बाई डी एक्स को इससे रिप्लेस हो जाएगा, तो लिखें आगे लगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा एक्स एक्स प्लस एच, ये हो जाएगा कैपिटल वाई प्लस के प्लस वन अपॉन, ये हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस वाई प्लस के, और इसको सॉल्व करूं तो ये देखें एक्स प्लस वाई प्लस एच प्लस के प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वाई प्लस एच माइनस और के, ये लो
ये हो गया। अब वही बात है, ये दोनों इक्वेशन मैंने क्या बताई थी कि जो लास्ट वाली जो इक्वेशन है जो अचर में बनती हैं वो उनको जीरो के बराबर फुट कर लेते हैं। तो मान लो कि एच प्लस के प्लस वन बराबर जीरो और एच माइनस के बराबर भी जीरो, यानी कि एच का जो मान है वो के बराबर आ गया। ठीक है, एच बराबर के तो एच, तो यहाँ पर भी एच रख दो के की जगह, तो एच एच टू एच, यानी कि जो टू एच बराबर माइनस वन, यानी कि एच और के का मान आ गया माइनस वन बाई टू। इसका मान निकाल लिया अपन, एच बराबर के और इसका मान आ गया माइनस वन बाई टू। अब देखें तो डी वाई बाई डी एक्स क्या रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स, देखें एक्स प्लस वाई क्योंकि वो तो जीरो के बराबर हो ही ना आगे वाला पार्ट, और एक्स माइनस वाई। गौर से देखें, ये जीरो के बराबर हो गया, ये वाला ठीक है, तो ये बचा ठीक है। अब देखें वही, अब ये देखें होमोजीनियस बन रही बनी नहीं बनी होमोजीनियस, देखिए हम भाई देखते ही पता लग रहा है कि अगर एक्स कॉमन ले लूँ तो ये वाई अपॉन एक्स की फॉर्म बन जाएगी, और देखें तो वाई अपॉन एक्स की फॉर्म बन जाएगी, तो वाई अपॉन एक्स को होमोजीनियस में किससे रिप्लेस कर देते अपन, वी से, याद है ना सबको, ठीक है। तो देखें वाई बराबर वी एक्स, वाई बराबर वी एक्स, देन जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स वो कितना हो जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स है ना, कह रहे थे वी प्लस एक्स और डी वी बाई डी एक्स बराबर, ये देखिए एक्स प्लस वी एक्स और एक्स माइनस वी एक्स, देखिए x ऊपर नीचे कॉमन लेके कट जाएगा, कैंसिल होगा है ना, तो यहाँ पर जो फॉर्म बचेगी वो बचेगी 1 प्लस वी और यहाँ पर 1 माइनस वी, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर पॉजिटिव है, इस साइड जा रही नेगेटिव है ना, तो ऐसे देखें 1 प्लस वी माइनस वी और प्लस का वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी, चलो कट गया ठीक है। अब वही देखिए ये वाला रख लेता हूँ ऊपर, ये मिटा रहा हूँ, देखें उतार लें वीडियो पोस्ट करके, कहना नहीं पड़े जो इसको उतारना होता है वो पहले उतार लिया करो ठीक है। अब देखें यहाँ से अगर वो सब करें तो यहाँ से डी वी डी वी और ये इस साइड आ जाए, तो ये देखो वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर बराबर वही कितना हो जाएगा डी एक्स वाई एक्स, कर दें इंटीग्रल, इंटीग्रल करते हैं इनको सेपरेट कर लें, प्लस एक कोफिशियंट स्नापलन मान लें मतलब सी ठीक है, तो हो जाएगा वन प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस वी डी वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर बराबर डी एक्स वाई एक्स प्लस सी। ओके अब देखें इसका स्नापलन डी वी वन प्लस वी स्क्वायर का स्नापलन कितना होता है, टेन इनवर्स वन अपॉन ए, यानी कि ए का मान वन है, तो इसका स्मार्टिंग देखिए मैं बता देता हूँ एक बार, यहाँ लिख रहा हूँ छोटा सा, देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो स्मार्टिंग होता है वो होता है वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, सबको पता है। तो देखिए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, x कितना है, x की जब v है तो v अपॉन वन क्यों हो गया माइनस, इसका समाकलन करेंगे तो वही इसको t मान लूंगा, इसको t मान लूंगा तो कर दूंगा ये हो जाएगा, देखें अगर मैं इसको t मानता हूँ तो इसका समाकलन इज लॉग वन प्लस वी स्क्वायर है ना, और ये हो जाएगा आगे वाला लॉग x प्लस सी ठीक है, यहाँ तक कर दिए अब ठीक है। अब देखिए वो वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, अब यहाँ से देखें ये वाला ये हो गया टेन इनवर्स वी प्लस वन वी अपॉन वन, तो वी का मान कितना था वाई अपॉन एक्स, तो रख दे वाई अपॉन एक्स ठीक है माइनस वन बाई टू लॉग, और इसको कितना रख दूँ वन प्लस वी स्क्वायर को क्या रखूँ वही वन प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ठीक है, लॉग बी साइड आ जाएगा कितना हो जाएगा लॉग लॉग
एक्स बराबर सी, ठीक है यहाँ तक सब ठीक है ना। और यहां से देखें आप आगे, जो टेन यूनिवर्स है, टेन यूनिवर्स है ना, उसको लिख दूं y अपॉन x है ना, y अपॉन x। और यहां पे देखें आप, एक मिनट यहां पे देखें, अगर मैं यहां पर 1 बाई 2 लगा देता हूं, मतलब इसको 2 से गुणा करता हूं और 2 का ही भाग देता हूं, 2 को कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 तो नीचे रहेगा, ये 2 इधर इस पावर में भेज दूंगा तो x स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1 बाई 2 क्यों है ना, ये भी 1 बाई 2 है, तो दोनों के जो टर्म है वो इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो देखिए माइनस 1 बाई 2 माइनस कॉमन आ गया, 1 बाई 2 कॉमन आ गया, फिर ये वाला लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला हो गया। तो ये कैसे सोल्व हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये गुणा में ये गुणा में एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सी आ जाएगा है ना। अब देखिए आप यहाँ से फिर टेन इनवर्स वाई अपॉन कैपिटल एक्स भी एक्स माइनस 1 बाई 2 लॉग एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर सी है ना, बराबर सी। अब देखें अगर इतना क्वेश्चन हो गया उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये जो कैपिटल वाई या कैपिटल एक्स है इसका मान रखना है आपको है ना, मान रखना है। तो मैं देखो ये इतना सा एक फिर करता हूँ, क्योंकि इसको भी तो अपन ने माना था ना, ये देखो कैपिटल वाई क्या है एक्स माइनस एच, तो रख दे। यहां से देखो छोटी सी कैलकुलेशन और कर लेता हूँ, ये जो एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस एच यानी स्मॉल एक्स माइनस एच, और एक्स का मान कितना है 1 बाई 2 यानी एक्स प्लस 1 बाई 2 है ना। ऐसे वाई की कितनी है वाई माइनस के, और वाई का मान वाई प्लस 1 बाई 2 क्योंकि के भी माइनस 1 बाई 2 है ना। तो ये वैल्यू हो गई, अब रख दे टेन यूनिवर्स वाई का मान रखूंगा तो कितना हो जाएगा 2 ये वाला है ना, और देखें यहाँ से वाई का मान देखें और एक्स का मान रखूंगा तो कितना, एक्स का मान कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 लो, पर यहां से रखू मैं यहां से रखू तो रखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, देखें एक्स प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, ये भी मान बराबर सी। अब और सोल्व कर लें इसको, अगर और सोल्व करता हूँ तो देखें टेन इनवर्स ये वाले टर्म हो जाएगी 2y प्लस 1 बाई 2 होगा, और नीचे भी 2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1 बाई 2 लॉग, और ये जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4 बराबर सी बाई 4 और बाई सी। और अगर ये क्वेश्चन में 4 नहीं हो, सुन लो, अगर आपका जो आंसर है उसमें 4 नहीं है, आपको 4 नहीं है, तो ये वाली जो टर्म है वो एक्स स्क्वायर की, वो अपन यहाँ नहीं काटेंगे, तो इसका मान रख के काटेंगे, अगर इसका वैल्यू रख के अपन इसको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू रख के कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा देखें एक्स प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, तो फिर इसका स्क्वायर होगा तो फिर 4 नीचे आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, नहीं चलो सही है, बिल्कुल सही है, 4 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 4 4 ठीक है। अब सही है क्वेश्चन, बिल्कुल फिट है ये आंसर, ठीक है। और जो आंसर है वो आप देख लेना, रीअरेंज कर लेना, ठीक है। आंसर आप इससे आगे भी निकाल सकते हो, 2 को बाहर भी ले सकते हो, अंदर भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आंसर ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिख लेता हूँ, यह है dy/dx और कितना है x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन माइनस ये, ठीक है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है।
वही वर्ड को दो भागों में डिवाइड कर लेता हूँ पहले, ठीक है। देखें आप ए का मान, देखें ए का मान कितना है 1 और बी का मान 2, स्मॉल ए का मान 2 और स्मॉल बी का मान 1। ए अपॉन ए एंड बी अपॉन बी कंडीशन अप्लाई करें, इक्वल नहीं, इक्वल नहीं क्योंकि ये तो 1/2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, बराबर नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो वही बात है, जहाँ पर भी एक्स देखिए उसकी जगह एक्स प्लस एक्स रिप्लेस कर दो और वाई है उसकी जगह वाई प्लस के रिप्लेस कर दो, और जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स रिप्लेस हो जाएगा। बस इतना सही है, अब रखें तो देखें डी वाई बाई डी एक्स बराबर वही एक्स प्लस एच रखूंगा, तो देखें एक्स प्लस टू वाई प्लस एच प्लस टू के माइनस 3 लिख लेना, सीधे इक्वेशन बना दी हूँ, पार्ट जो अचर जो कंपोनेंट था वो बाहर भी निकाल लिया हमने, ठीक है। वैल्यू रखने के साथ साथ अब देखें 2 तो जगह 2 एक्स प्लस वाई प्लस ये जगह 2h 2h प्लस के माइनस 3 ये देखें, ये वाला पार्ट। अब ये दोनों जो इक्वेशन है वो 0 के बराबर है, ये वाला और ये जो है 2h प्लस के माइनस 3 बराबर भी 0। देखें इस इक्वेशन को मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये 2 यहाँ पर 4 और ये 6। अब मैं इसको घटा दूं, अगर मैं घटा दूं एच तो कैंसिल, भाई मेरे को तो वैल्यू चाहिए ना एच और के की, एच कैंसिल, ये घटेगा कितना देगा 3k 3k। अब देखें ये घटाना है ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर ऊपर कितना बचता है, देखें 6 में से 3 गए तो माइनस का 3 और बराबर 0, यानी कि के का मान कितना जाएगा ऊपर। अगर के का मान, अगर के का जो मान है वो 1 है, के का मान 1 आ गया तो देखें के का मान इसमें रखूंगा तो एच का मान कितना जाएगा 2h प्लस 1 माइनस 3 बराबर 0, तो एच का मान भी आ गया ऊपर। एच और के जो है वो अगर दोनों ही 1-1 आ गए तो इसका मतलब क्या है कि जो h और k का मान है वो बराबर है, ठीक है। तो h और k की वैल्यू आ गई, अब देखें वही बात फॉर्म बना dy by dx कितना लिखना है x plus 2y अपॉन कितना 2x plus y। अब हो गया, अब वही समघात इक्वेशन दिख रही है, अब आराम से समघात तो समघात ही है क्योंकि देखें अगर इसमें से x कॉमन ले लो y / x की फॉर्म बन जाएगा और इसमें भी x खत्म हो जाएगा y / x की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो देखें y की जगह रिप्लेस करें, y की जगह क्या रिप्लेस करें v / x, तो dy जो dx है वो कितना हो जाएगा v + x और dvy dx रख दें तो v + x dv dx बराबर। अब देखें x + 2y तो देखें x प्लस 2 और y का मान वी एक्स रख देता हूँ, ठीक है वही 2x प्लस वी एक्स, वी एक्स को काट दूँ, x को काट दूँ और अपने चले कॉमन 1 प्लस 2v और 2 प्लस वी, यहाँ तक देखें ये सॉल्व हो गया। अब देखें ये v यहाँ पर पॉजिटिव है, इस साइड जाके कितनी हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, इसको और सॉल्व कर लूँ तो ये सॉल्व होगा, तो देखें 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर फोन में 2 प्लस वी, ऐसे ये कट गए, ठीक है। तो कितना रहेगा 1 माइनस वी स्क्वायर और 2 प्लस वी, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए जो 2 प्लस वी है वो इस साइड आ जाएगा, तो जाएगा 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, समाकलन कर सकते यहाँ पर डी बराबर और ये उस साइड डी एक्स बाई एक्स ये। अब देखिए इसका करना है अपने को, ठीक है तो 2 1 माइनस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर का अपने को क्या करना है समाकलन करना है, ठीक है इसका समाकलन करना है। अगर इसका समाकलन करना है तो वही अपन किसमें कर देंगे, ये इसके फैक्टर देखें 1 माइनस वी स्क्वायर के फैक्टर देखें, आप अपन जानते हैं सीधा तो होगा नहीं स्क्वायर से करते हैं 2
वन माइनस वी स्क्वायर डी वी है ना, टू वन माइनस वी स्क्वायर और डी वी, डी वी प्लस प्लस वी वन माइनस वी स्क्वायर डी वी, ये तरीका है करने का है ना, ये तरीका है करने का। और डी एक्स एक्स प्लस लॉग सी कॉन्स्टेंट ले लिए लॉग सी, ठीक है। अब देखें ये जो है ये तो फॉर्मूला बन रहा है, अगर इसको ऐसे भी निकालना चाहिए तो अपन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उसका फॉर्मूला बन रहा है। तो देखिए अगर फॉर्मूले से ना करें तो कैसे करते हैं है ना, बिना फॉर्मूले बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कि जो वन टू वन माइनस बी स्क्वायर है, इसके फैक्टर क्या ले, ए वन माइनस बी प्लस बी वन प्लस बी है ना, तो ए का देखें ए सॉरी ए ए बी पहले क्वेश्चन में इंक्लूड है ना, तो ये ए डैश बी डैश कर लो ये, ठीक है ए डैश बी डैश कर लो, तो ए डैश कितना आ जाएगा वन प्लस बी प्लस बी डैश ये वन माइनस बी बराबर अपॉन कितना आ जाएगा वन माइनस बी स्क्वायर, एलसीएम दो वन माइनस बी स्क्वायर कट रहा है, इसके बराबर कितना है टू, ये तो यहाँ से कट गया टू बराबर आ गया। तो अब देखिए अगर मैं बी का मान वन कर देता हूँ, कंडीशन लगाएं अगर बी का मान वन है, अगर बी का मान वन है इसका मतलब बी डैश तो जीरो हो गया, तो ए डैश का मान कितना है, ए डैश का मान वन, ए डैश का मान कितना गया वन, ए डैश का मान वन आ गया। अगर मैं बी का मान माइनस वन कर देता हूँ तो बी डैश का मान भी कितना आ गया वन, यानी ए डैश और बी डैश क्या है वन वन है, तो वन वन है तो इसका मतलब ये और ये अलग अलग, इसको कैसे लिख सकता हूँ फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वन माइनस बी है ना और प्लस वन प्लस बी। अब देखें इसका इजीली हो सकता है दोनों, ये हो जाएगा लॉग वन माइनस बी, माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो बी है वो नेगेटिव है और ये प्लस लॉग वन प्लस बी का फॉर्म हो जाएगी, तो इसका जो समाकलन है वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही फॉर्मूले से होता है, इसका फॉर्मूला इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला था वन बाई टू ए लॉग ए प्लस एक्स, एक जगह वन है और एक्स की जगह बी है, समाकलन के फॉर्मूले देखें आप अच्छे से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से पर मिटा रहा हूँ हाँ, आपको फॉर्मूला और बता देता हूँ एक बार। देखिए इसका जो फॉर्मूला था वो जैसे डी एक्स मान लो ये था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो इसी फॉर्म में अब इसका फॉर्मूला था वन बाई टू ए लॉग लॉग आगे ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, इसी फॉर्म में, इसी फॉर्म में क्या था इसका ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, ये फॉर्म का इसका जो है वो क्या है ये फॉर्मूला है, इसको डब्बे में बंद कर देता हूँ, ये फॉर्मूला है इसका। तो लगाएं टू तो टू तो टू ठीक है, वन माइनस वी स्क्वायर यानी तो वन अपॉन टू ए का मान वन ठीक है तो वन बाई टू है ठीक है। अब लोग ए का मान कितना है वन ठीक है प्लस वी और वन माइनस वी हो गया, आगे चले आगे देखिए इसको मैं टी मान लूँ, इसको टी मान लो तो ऊपर वाला वी डी वी क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, तो इसका इसका तो सीधा सा आ गया माइनस वन बाई टू और लोग वन माइनस वी स्क्वायर, इसका सीधा सा आ गया। आगे वाले का कितना आ गया, आगे वाले का आ गया लोग कितना है एक्स है और प्लस लोग सी, यहाँ तक ठीक है ठीक है। अब देखिए टू से तो टू कट गया है ना, टू से टू कट गया तो इधर तो कुछ बचेंगे लोग वाले टर्म ही बची सिर्फ है ना, ये लोग है ये वन बाई टू वाले टर्म बच गए ठीक है, और ये लोग वन माइनस वी स्क्वायर ठीक है, और ये लोग एक्स वाली और ये लोग सी वाले टर्म ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मिटा देता हूँ। देखता और सोच कहाँ थे लोग, इसको इसको करेंगे तो यह जाएगा वन प्लस वी और वन माइनस वी हाँ, और देखें यह जाएगा वन बाई टू लोग वन माइनस वी स्क्वायर हाँ, और ये कितना हो जाएगा आगे वाला लोग एक्स प्लस
लोग से इसको सोल्व करना है हम इसको सोल्व करना है। अब देखिए ये 1/2 ये दिक्कत कर रहा है क्योंकि यहाँ भी लोग के साथ कुछ कुछ नहीं है, यहाँ पे भी लोग के साथ कुछ नहीं है, तो अगर इनको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो लोग जो है वो 1/2 ऊपर भेज दूँ, यहाँ कर दूँ इसको 1/2 यहाँ कर दूँ, ठीक है। यहाँ नहीं करूँ तो फिर क्या करूँ, या मैं क्या करूँ अगर ये तो मैं यहाँ ये 2 ऊपर भेज दूँ, या फिर मैं क्या करूँ पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर दूँ। तो मैं एक ही काम करूँगा, मैं पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर दूंगा। तो 2 से गुणा होगा, देखिए 2 लोग ये वाला और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 ये हो जाएगा 2 लोग एक्स, और ये सीडेंस मान लेते हैं, पहले वाला था अपन सीडेंस मान लेते हैं। तो अब यहां से ये होगा 2 लोग सी डैश, ठीक है। अब देखिए ये 2 यहां पावर में चला जाएगा, तो जाएगा लोग 1 + v 1 - v का स्क्वायर माइनस log 1 - v² बराबर log x स्क्वायर, और देखें ये log c डैश स्क्वायर जाएगा, तो उसको मैं एक नया कोफिशिएंट मान लूं क्या, log c, ठीक है। अब log c क्योंकि कोफिशिएंट को कुछ भी मान सकते हैं, वो तो एक अचर है, ठीक है। अब देखें यहां से देखें ये log वाली टर्म है, अब यहां से अगर इसको और सॉल्व करूं मैं और सॉल्व, तो ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा 1 + v का स्क्वायर और 1 - v का स्क्वायर, और ये माइनस है इसका मतलब इसका डिवाइडेशन हो जाएगा इसमें, तो डिवाइडेशन कर दें हो जाएगा 1 - v² ये हो गया डिवाइडेशन हो गया, ठीक है, ये डिवाइड होगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा log x² + log c, यहाँ पर देखें आप ये और सोल्व करो, आप देखें 1 + v का स्क्वायर और ये 1 - v का स्क्वायर, इसकी देखें संयुग्मिका खुल जाएगी, a² - b² का फॉर्मूला बंद है, तो जब 1 - v और ये 1 + v, देखिए 1 + v तो इससे कट जाएगा हटाओ, फिर यहाँ पर कितना वही log x² c, यहाँ पर कितना जाएगा log x² c, और log से log काट दिया ये हटाओ, ठीक है। और सिंपल आप चले यहाँ पर आ जाए, फॉर्मूला आपने उतार लिया हूँ देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 + v और नीचे 1 - v का क्यू और ऊपर c x² अब देखें v का मान कितना है, y कौन x रखें रखें जब रखेंगे तो कितना जाएगा 1 + y / x रख दिया और यहाँ पर रख दिया 1 - y / x का क्यू बराबर c x² तो देखें और सोल्व करें, अगर और सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x + 1 है ना, एक तो x आ गया यहाँ पर, इसको और सोल्व करना तो ये हो जाएगा x³ और ये कितना हो जाएगा x - y का क्यूब और बराबर क्या चल रहा है c x² देखें x कट गया तो x² बच जाएगा, इस x² से x² कट जाएगा, यानी कि जो प्रॉपर आंसर है वो x + y / x - y का क्यूब और वो भी किसके बराबर, एक कोफिशिएंट के बराबर है, ठीक है। रुक जाए अभी बहुत कुछ करना है, अभी इसमें h और k का मान भी रखना है बिल्कुल, है ना। तो देखें यहाँ से आगे प्रश्न दिया रहा, तो c बराबर कितना है x + y यानी कि x + 1, अब x क्या था, x का यहाँ से निकाले तो x कितना था, x - h था, एक बार इसी फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको इजी रहे, y क्या है y - k था, है ना, ये लो हटाओ वही, x का मान कितना है x - h था h और y का मान कितना है y - k और इसका सबका होल क्यूब, अब वही h और k का मान कितना है 1 1, तो यहाँ से रखते x + y और h और k का मान 1 1 यानी कि -2, एक तो ये हो गया, ठीक है। आ जाए अब देखें तो हो जाएगा
वही एक्स माइनस एक्स, देखिए एक्स माइनस का वन, ठीक है, माइनस वाई माइनस वन, और इसका क्या है क्यू, समझे बाबा। देखिए ये वन नेगेटिव और ये वन पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, सी का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वाई का क्यू, ये होगा इसका आंसर, एग्जिट आंसर इसका ये वाला हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने हैं आपको सारे, ठीक है, एक बार देख लो आप। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, बड़े क्वेश्चन जरूर हैं लेकिन इजी हैं, सब इजी हैं, ऐसी बात है नहीं कि दिक्कत कर रहे हो। देखें नया क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स बराबर टू एक्स माइनस वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री। ठीक, क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस वन एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री। ठीक है, देखिए a का मान कितना है इसमें 2 और b का मान, भाई a क्या होता है जो इसके साथ कोफिशिएंट है 2, b कितना है माइनस वन, हाँ, और a कितना है 1 और ये b कितना है ये वाला देखिए 2, है ना, समझ में आ गया अभी, a ये b ये और स्मॉल a और स्मॉल b ये। अब देखिए रेशियो चेक करें तो ए रेशियो ए और बी रेशियो बी क्या इक्वल है, नहीं, अगर इक्वल नहीं है तो कौन सा मेथड लगाना आपने, एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स रिप्लेस करना है, वाई की जगह वाई प्लस के रिप्लेस करना है, जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी जगह आपने को करना है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक ठीक, तो करें मेथड अपना डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखें एक्स प्लस एच यानी कि 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई और यहाँ पर कितना देगा जो इसमें प्लस हो जाएगा 2x माइनस का k प्लस वाई, देख ले सीधा सॉल्व कर दिया मैंने, है ना, मान नहीं रखा और सीधा इसको सॉल्व कर दिया, x प्लस 2 है तो 2 का तो y हो जाएगा 2y प्लस h प्लस 2k माइनस 3, सॉल्व हो गया। देखिए x की जगह मैं क्या रखूंगा x प्लस h, y की जगह y प्लस k, तो x प्लस h रखा तो x माइनस y तो 2x माइनस y तो आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या जगह 2s 2h और यहाँ से माइनस k प्लस 1। ठीक है, यहाँ भी मैंने क्या रखा x की जगह x प्लस h और y की जगह y प्लस k, तो यहाँ से x माइनस x सॉरी प्लस है तो प्लस x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस 3। अब ये देखें दोनों इक्वेशन किसके बराबर, किसी शून्य के बराबर, दोनों इक्वेशन शून्य के बराबर, तो ये वाली इक्वेशन भी शून्य के बराबर और ये वाली इक्वेशन भी शून्य के बराबर। अब देखें इस वाली इक्वेशन को मैं दो से गुणा कर दूँ, ऊपर वाले को ऊपर वाले को कर दूँ, हम सब दो गुणी फोर और ये टू हो जाएगा और ये भी टू हो जाएगा। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं तो जोड़ दिए हम, ये कट गया चार एक पाँच एच और ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का वन, माइनस का वन तो एच का मान तो कितना आ जाएगा वन बाई फाइव, एच का मान तो वन बाई फाइव हो गया। अगर एच का मान वन बाई फाइव है तो इसका मतलब क्या है कि वन बाई फाइव प्लस टू के माइनस थ्री बराबर भी जीरो, इक्वेशन में मान लेते हो एच का इस वाले, तो कितना दे रहा है देखें सॉल्व करें तो पाँच दिया तीन माइनस वन बाई फाइव बराबर टू के, तो पाँच दिया पंद्रह, पाँच दिया पंद्रह और एक पंद्रह में से एक चौदह, चौदह बाई फाइव
और बराबर 2k, तो k का मान कितना आ गया, ये 2 इस साइड आ जाएगा, तो आ जाएगा 7/5, यानी कि इनका मान है 1/5 और 7/5, ठीक है। देखें ये 1/5 हो गया और वो 7/5 हो गया, ठीक है। तो देखें ऐसे कोई दिक्कत नहीं, यानी कि h का मान तो आ गया 1/5 और k का मान आ गया कितना 7/5, ठीक है। तो dy/dx कितना हो गया 2x - y/x + 2y, ठीक है, x + 2y। अब आगे देखें, अगर इसको आगे सोल्व करें तो वही बनाए होमोजीनियस इक्वेशन बनाए, अब तो सीधा सा दिख ही रहा है भाई, x y को x होते ही v बन जाएगा अपना, और फिर x की टर्म भी कैंसिल होगी, ठीक है। तो देखते हैं y बराबर vx, अगर अपन y बराबर vx पुट करते हैं, y बराबर vx पुट करते हैं तो अपन क्या हो जाएगा dy/dx बराबर v प्लस x और dv/dx, इतना हो गया, ठीक है। तो रख दें v प्लस x dv/dx इक्वल्स, अब देखें अगर वहां पर रखूंगा तो वो v की फॉर्म में बन जाएगा, बार बार v का y का मान रखूंगा vx, तो देखें x ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2 माइनस v और यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस 2v, ठीक है। देखिए समझ में आ रहा ना भाई, x कॉमन आए तो 2 माइनस v और यहाँ पर x कॉमन आए तो 1 1 प्लस 2v, ठीक है। यहाँ से देखें अब ये भी यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ जाके नेगेटिव, ठीक है। और सोल्व करें तो जरा 2 माइनस v और माइनस का 2v² और ये 1 प्लस 2v। अब देखिए यहाँ से देखिए आप, ये v साइड है 2 माइनस v और यहाँ पर 1 प्लस 2v और यहाँ पर 2 माइनस v और यहाँ पर -v, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2v माइनस का 2v² और ये जाएगा 1 प्लस 2v। अब ये देखें इसका जो पूरा फैक्टर है इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, इसको कपड़ा धो लेते, 2 कॉमन आ रहा है, हाँ से देखें 2 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस 2v और dv और नीचे 2 तो आ जाएगा कॉमन, 2 कॉमन आते हैं कौन सी टर्म बन जाएगी, ये बन जाएगी 1 माइनस v, 1 माइनस v और माइनस का v² ये हो जाएगी, ठीक है dv। और इसका समाकलन बराबर में इसका समाकलन हो जाएगा dx/x प्लस में कोफिशिएंट मान लेता हूँ log c, ठीक है। अब देखें अगर मैं 1 - v - v² को मैं क्या मान लूँ, t मान लूँ, तो ऊपर वाला क्या जाएगा माइनस, ये जाएगा -1 है ना, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका -1, इसका माइनस का 2v और यहाँ पर आ जाएगा dv/dt, यानी dt का मान इतना आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस 2v और dv/dt, तो देखें यानी कि -1/2 और इसको t मान लेते हो जाएगा log t, ठीक है। तो इसका जो समाकलन है वो क्या हो जाएगा, ठीक है समाकलन देखें इसका, तो समाकलन क्या हो जाएगा -1/2 और log t, t की वैल्यू कितनी है 1 - v माइनस का v² यही तो है t की वैल्यू, ठीक है ये हो गया बराबर, ये कितना है log x प्लस log c है ना, log x प्लस log c, c' का लोग उसको c', ठीक है। अब देखिए पूरी इक्वेशन को मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो 2 से गुणा करूँगा तो कितना दे रहा है माइनस log 1 - v - v² बराबर 2 log x + 2 log c'². अब देखिए ये 2 जो है यहाँ पावर में चला जाएगा, ये 2 भी पावर में चला जाएगा, तो उसका log जो c² है वो तो मैं log c मान लूँगा, ठीक है। नया कोएफिशिएंट तो देखिए ये वाला इस साइड ले आऊँगा कितना आ जाएगा log 1 - v - v² log
एक्स स्क्वायर लॉग सी, लॉग सी ठीक है, लॉग सी हो गया। अब देखें बी का मान रखें वाई अपॉन एक्स रखें, तो अगर मैं बी का मान वाई अपॉन एक्स रखता हूँ तो ये जो है लॉग वाई अपॉन एक्स रखते हूँ, यहाँ से देखें वन माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, बराबर जो चल रहा है वो चले गए लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी है ना, ठीक है यहाँ से आ जाए। अब देखें लॉग लॉग से लॉग कट जाएगा ना, लॉग से लॉग काट दूंगा, तो लॉग से मैं जब लॉग काटूंगा इनवर्स की टर्म आएगी, ये जो माइनस है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा देखें वन इसका एलसीएम ले लो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एलसीएम कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर ठीक है, और सॉल्व कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस देखो लॉग वाले टर्म छोड़ दे रहा हूँ एक्स वाई एक्स और माइनस का वाई स्क्वायर ये दो माइनस है माइनस लो ये वाली टर्म आ जाएगी, ये वाला देखें अब ये वाला लॉग इस साइड आ जाएगा तो माइनस लो एक्स स्क्वायर और लो सी, अब देखिए माइनस कॉमन ये दो की टर्म आ जाएगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर और ये लॉग एक्स स्क्वायर से लॉग एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि माइनस वन कॉमन आ रहा है ठीक है, क्या हो जाएगा लॉग सी, अब ये देखिए ये मानो माइनस दो इनवर्स में चली जाएगी और लॉग से लॉग कट जाएगा ठीक है, ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी है ना, अब सॉरी ये एक्स कैपिटल वाई कैपिटल है ठीक है, अब देखिए ठीक है, अब देखिए वन अपॉन एक्स एक्स की वैल्यू क्या है एक्स माइनस एच और एक्स की वैल्यू कितनी वन बाई फाइव ठीक है, और इसका स्क्वायर प्लस और ये माइनस है फिर माइनस एक्स वाई एक्स की वैल्यू कितनी वही एक्स माइनस पाँच और वाई माइनस सात बटा पाँच ठीक है, प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस की है वो कितना जाएगा वाई माइनस सात का सात बटा पाँच का स्क्वायर बराबर सी, अगर इसको देखो सोल्व करें पूरे टर्म को अपन सोल्व कर लें, देखिए इसको सोल्व कर लेना अपना इजी से हो जाएगी, फिर फाइव लेसर पच्चीस को लेसर लेगा तो जरा फाइव एक्स माइनस वन का स्क्वायर ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा फाइव एक्स माइनस वन जाएगा फाइव वाई माइनस का वन और ये माइनस हो जाएगा फाइव वाई माइनस वन का स्क्वायर और यहाँ पच्चीस यहाँ पर आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा सी, तो ये वाली टर्म सेट ली जाएगी ठीक है, तो ये पूरा एज इट इज ऐसे आ जाएगा फाइव एक्स माइनस वन का स्क्वायर फाइव एक्स माइनस वन और फाइव वाई माइनस वन और माइनस फाइव वाई माइनस वन का स्क्वायर ये तो हो गया बराबर पच्चीस, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन हो गए तो मैं आपको दो चार क्वेश्चन दे देता हूँ आप कर लेना, क्योंकि क्या किसी बच्चे ने बोला था मेरे को कि क्वेश्चन जो है हमारे पास बुक नहीं है इसलिए क्वेश्चन हमको दे दिया तो हम निकालने की कोशिश करेंगे घर से, मैं दो चार क्वेश्चन दे देता हूँ आपको ना, देखें सबसे पहला क्वेश्चन लिखे हो ये डी वाई बाई डी एक्स हाँ कितना है यहाँ पे टू एक्स प्लस थ्री वाई फाइव प्लस है थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव बराबर जीरो ठीक है, इसके बाद ये हो गया यहाँ पर देखें डी वाई बाई डी एक्स बराबर है वाई माइनस एक्स माइनस वन का प्लस है वाई माइनस एक्स प्लस वन ठीक है, और यहाँ पर है वाई प्लस एक्स प्लस फाइव ठीक है, एक क्वेश्चन और डी वाई बाई डी एक्स ये कितना है टू एक्स प्लस वन अपॉन में टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस का थ्री है ना, और देखें निकाल लेना आराम से जो नहीं आया मेरे से पूछ लेना
ये 2x माइनस प्लस तो 9y माइनस 20 और 6x प्लस 2y माइनस 10 है ना। एक और dy बाई डी एक्स कितना है 6x माइनस 2y माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3y माइनस 6 ठीक है। ये देख लें आप, एक दो तीन चार पांच, पांच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने दिया नहीं, वो मैं खुद कराऊंगा, हार्ड है वो ठीक है, वो क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा। ये पांच क्वेश्चन आप घर से कर लेना। अब अगर इनमें से कोई नहीं आए तो आप मैं बता देना कौन सा नहीं है, मैं सॉल्व करा दूंगा। और फिर कल जो है वो एक क्वेश्चन कराने के बाद सेकंड मेथड की बात करेंगे, इसका जो सेकंड मेथड ठीक है।